Okay, let's go. हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के व्लॉग में जो है हम जा रहे हैं, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा जो है वो आज हम जा रहे हैं मोती बाज़ार। मोती बाज़ार रावलपिंडी और इस्लामाबाद यहाँ का फेमस बाज़ार है और हम वहाँ पे जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आज के व्लॉग में जो है वो मैं सारा कुछ उसके रिलेटेड बताऊँगी और मैंने सारी शॉपिंग जो है वो ये जो है राबी सेंटर है इस जगह से की है और जितनी भी है अभी जो है थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं जो है वो मोती बाज़ार जा रही हूँ। शादी हो और हम पिंडी में रहते हों तो मोती बाज़ार ये कोई ना जाए ये तो ऐसे हो नहीं ना सकता, वहाँ जाना तो बहुत ज़रूरी है और ट्रैफिक भी बहुत होती है उस जगह पे। आप लोग अगर गए हो, अगर आप लोगों का जाना हुआ है तो आप लोगों को ये पता होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और वहाँ पे जाना ना मतलब इतना आसान नहीं है, इतनी ट्रैफिक होती है, मतलब आप अगर आपके 4 घंटे तो रास्ते में ही वेस्ट हो जाते हैं ना। तो हम पहुंच चुके थे और जाते साथ ही मुझे ये नेकलेस इंतहा का हसीन लगा यार, इतना खूबसूरत था ना गर्ल्स। यार जो लोग प्राइस वगैरह पूछते हैं तो मुझे अब इसकी प्राइस एज सच याद नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत रीज़नेबल था यार, शायद 8-9 हज़ार कह रहा था ये, इतना ही था लेकिन बहुत अच्छा था। फिर हम लोगों ने जो है वो ड्रेसेस लेने थे, ऑर्डर दिए हुए थे तो वो वाले ड्रेसेस लेने के लिए हम शॉप पे चले गए। वहाँ पे वो जो है वो ये देखें दिखा रहे थे ड्रेस और हमने यहाँ से अपने ड्रेस जो है वो पिक करने थे बस। हाँ मेरा थोड़ा ये है कि चीजें ज्यादा आ जाएंगी। ये देखो क्यों वो ये वाला, इसमें मेरा मोबाइल भी नहीं आना तो और कोई है। सो यहाँ पे जो है वो एक शॉप थी ज्वेलरी वाली, तो वहाँ से इनको ये नेकलेस वगैरह पसंद आए थे लेकिन मुझे नहीं पता इन लोगों ने लिए या नहीं लिए, आई गेस नहीं लिए थे क्योंकि इनका कोई रेट का नहीं बन रहा था, क्योंकि हाँ बस नहीं बन रहा था तो इसलिए जो है वो शायद छोड़ दिए थे। बट फिर मैंने जो है यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की थी और यार इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, इतने अच्छे अच्छे सेट थे, मतलब कंफ्यूज़ हो जाता बंदा कि कैसा ले कैसा ना ले। मैं ख़ुद इतनी कंफ्यूज़ हूँ कि मैं किस तरह की ज्वेलरी लूँ किस तरह की ना लूँ। तो खैर ये वाला भी खोल के दिखाओ, भाई मुझे फिर अच्छी वाली दिखाना। ये तो खुले दूध की नहीं पीती मैं, पीती खुले दूध की है ये, रहने दो फिर ये तो ऊपर की उनके दे दो उसको रहने दो वो पिएगी। हां उसके लिए वो भाई दो बेटा, ये कितने के दूसरे भी दो दिखाएं रेड और ब्लू जो है, ये तो मैंने पहली बार ही सुना दिखा दे इसके अच्छा लड़के लगाए वो फील होता है ना से भी आपको आटे लुक नहीं देगा। क्रिस्टाइन का भी दिखाओ, क्रिस्टाइन का ही दिखाएं या ग्लैमरस है मेरी गारंटी है अच्छा हो या बस क्रिस्टाइन का सूट करने वाली बात है। आप ये भी आप ये ब्रांड को जानते नहीं जिस ये मैंने क्रिस्टाइन का दिखाया ना, एक क्रिस्टाइन ने गोदाम से फेस पाउडर लिया और वो लिया मेरे कलर का लाइट कलर लिया और ग्लैमरस के भी लिए, मतलब डार्क टोन में। डार्क टोन क्यों लेना चाहती है आप, कलर फेयर है तो डार्क नहीं ना, डार्क में सही वरना और लगता है चिट्टी भूतनी तो नहीं ना बनना। मुझे वो अगर इतना डार्क डार्क पे ब्लैक हो जाएगी इनकी स्किन जी। ये मैंने ये दिखाऊं दिखाया ना वो दिखा दो तेरे नाम दावी अज सजया है वे सारा शहर
आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजे आए वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुकड़ बने रे ते चिट्टा कुकड़ बने रे ते काश में दुपट्टे वाली मंगा सदके नमाज पढ़न गए आपको आ जाएगी सवा दो है ये टोकरी में रख लेना दोनों कलर्स मिल जाएंगे डिजाइन किधर है यार साड़ी के साथ कह रहे हैं साड़ी किस कलर की है तुम कभी गोल्डन देख रहे हो गोल्डन और ग्रे है साड़ी किस कलर की है ये गोल्डन और ग्रे कहां है तो या वी वे होम तो उसके बाद जो है खाना वाना खाया और बस बहुत थक चुके थे तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो डू लाइक फॉलो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय